और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्रवाल। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सीआरटी टीवी में सप्लाई के बारे में। देखिए मेरे पास ये टीवी है जिसमें सप्लाई रेगुलर नहीं हो रही। जितनी सप्लाई हमने यहाँ पे मेन एसी से दी है उतनी सप्लाई हमें आउटपुट में 110 की जगह पे मिल रही है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसे 110 की यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 160 वोल्ट का। यहाँ पे आप सप्लाई देख लीजिए, ये देखिए 191 से 197 के आसपास वोल्टेज हमें यहाँ पे में मिल रहे हैं। और मैंने ये 1 के का प्रीसेट है जो कि चेंज कर दिया है, फिर भी सप्लाई रेगुलेट नहीं हो रही। सप्लाई के लिए रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ये सर्किट है, ये 431 नंबर का एक ट्रांजिस्टर है और ये एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है और एक यहाँ पे नीचे जिनर भी लगा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे इसे सप्लाई को आउटपुट सेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे जंपर या रेस्टेस लगी होती है उसे हटा दिया है, नहीं तो अपना ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर है आउटपुट ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो सकता है ज़्यादा वोल्ट जाने की वजह से। तो अपन इसमें ऑप्टो कपलर चेंज करेंगे और ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पे 431 नंबर का, इसे भी अपन चेंज करेंगे। तो ऑप्टो कपलर को मैंने चेंज कर दिया है, अब ये ट्रांजिस्टर अपन चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये ट्रांजिस्टर है 431 नंबर का, 431 इसके नंबरिंग है, तो इसे अपन रिप्लेस करेंगे। और सप्लाई में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको हमें रिप्लेस करना या नया लगाना ही सही रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये चेक करने का नहीं दिखाया है। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ये मैंने नया वाला ट्रांजिस्टर है और इसके नंबर है 2764। मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये। और हमें चेक करने के बजाय सप्लाई के जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं इनको अपन चेक करने के बजाय नया लगाए तो ही अच्छा रहेगा। तो मैं इसे लगा देता हूँ और फिर अपन चेक करेंगे वोल्टेज, सप्लाई अपनी रेगुलेट होगी या नहीं। अच्छे से सोल्डिंग कर दिया मैंने, अगर ज़्यादा सप्लाई आउटपुट में जाएगी तो फिर अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर सब ख़राब हो सकते हैं। तो मैं फिर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये 119 वोल्ट के करीब हमें यहाँ पे मिल गए हैं और अपना ये सप्लाई रेगुलेट हो चुका है, यहाँ पे 110 सप्लाई मिलनी चाहिए, तो 119 वोल्ट। और ये और अब आप आउटपुट की देखिए, ये वर्टिकल की सप्लाई भी सही है, सब सप्लाई अच्छे से काम करने लग गई है। तो अपन इसे इस प्रकार रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही।